सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की यार वीडियो में हम जा रहे हैं दशहरा ग्राउंड। वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे दशहरा मेला कैसे लगता है, दिल्ली में कैसे लगता है, और लोग वहाँ पे कैसे मनोरंजन करते हैं, कैसे इंजॉयमेंट करते हैं, आपको सब कुछ मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। एंड गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कर देना चैनल को, हमारे चैनल को देना सब्सक्राइब, इस वीडियो को देना लाइक, और इंस्टाग्राम पे आपको इंस्टाग्राम जाके फॉलो करना, लाइक शेयर सब कुछ कर देना, भाग भाग कर देना सब कुछ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी की देरी। आज की यार वीडियो में हम आए हैं दशहरा ग्राउंड है, पीछे आप देखते सारा पीछे दशहरा ग्राउंड है। तो आज हम आए हैं दशहरा ग्राउंड, आपको दिखाएंगे दशहरा मेला कैसे लगता है, दिल्ली में कैसे लगता है। तो हम आए हैं बेसिकली जनकपुरी, तो आपको पूरा मेला दिखाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। करनी थी कि मतलब देखो भाई, इतनी मेहनत करो, थी रात को आया हूँ, जो अभी टाइम हो रहा है वो टाइम जो हो रहा है अराउंड 11:30 का टाइम हो रहा है, अभी आपके लिए ब्लॉग में आया हूँ। देखो भाई इतना मतलब मजा आ रहा है, तो भाई आप अभी एक ये राइड है 50 का, तो जितना भी स्टे लगा है 50 अच्छे से। It's time for Boca.
Dropouts. It's time for Boogie. घर तो अब आपको मिलेंगे घर जाके, तो अब घर जाके मिलते हैं। मैं आ चुका हूँ घर। अब देख सकते हैं भाई यहाँ का मौसम कोई है नहीं दूध तक, पर तुम्हारा भाई अब आ चुका है घर, तो अब मैं घर जाके वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो गाइस अब इस वीडियो करते हैं एंड, आशा करता हूँ कोई वीडियो अच्छी लगेगी। और जाने से पहले गाइस अगर अभी तक हमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना इस वीडियो को और कर देना चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोज इंटरेस्टिंग वीडियोज डालते रहते हैं। और जाने से पहले आपको यहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम पर यूजर नेम दिख रहा होगा रफजोत08 के नाम से, वहाँ पर जाकर उसको फॉलो करना, लाइक करना, फॉलोवर्स कुछ कर लेना। और बाकी आपको मैंने सारी राइड्स दिखाई, मतलब थोड़ा ठीक ठीक था मामला, 100-100 रुपये की राइड्स थी, मतलब नॉट चीप थी पर ठीक थी यार, क्योंकि राइड्स मतलब भाई इतनी बड़ी बड़ी राइड्स थी महंगी थी। ट्रैम्पोलिन भी थे वहाँ पे बच्चों के लिए, वो 50 रुपये के थे, और बाकी ट्रेन में राइड्स वगैरह थी 80 की थी, 70 की थी, वो बहुत सारी थी। और खाना भी सही था, 60-70-80 रुपये का खाना था। तो बाकी मैं गया था उन्होंने 10 बजे के करीब गया था, और अब बज रहे हैं उन्होंने 12, तो क्योंकि मेरे घर के पास ही लगता है, तो हम गए जनकपुर में गए थे, तो 12 बज गए हैं पूरे। तो गाइस इस वीडियो को एंड करते हैं भाई, प्लीज़ चैनल कर देना सब्सक्राइब, इस वीडियो कर देना लाइक, भाग के और कमेंट भी कर देना वीडियो को अच्छी लगी। और एक बात और भाई, आप पूरी वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, फटाफट देखो 730-725 हो गए सब्सक्राइबर्स, फटाफट उसको 1000 कराओ। और भाई फिर और अच्छा कंटेंट आएगा, बड़े बड़े कंटेंट आएगा। अभी मैं सोच लूँगा मैं मसूरी से जाऊँगा, मनाली मसूरी वगैरह, तो वहाँ आपको ब्लॉग्स दिख जाएंगे। तो गाइस बाय।